हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। फिजिक्स वाला और पुनिया जी की दुनिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम मोहित मुनिया, आपका पुनिया सर वापस जुड़ चुके हैं आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए नाइन, मैं हर चैप्टर में बोलता हूँ यार ये इजी सा चैप्टर है, इजी सा चैप्टर है। सीरियसली इजी चैप्टर होते हैं, हम क्या करें, मतलब बहुत ही आसान, एक फॉर्मूला पूरे चैप्टर में, सिर्फ एक फॉर्मूला। बाकी तो हम एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन एक ही तो फॉर्मूला है। तो आइए आज स्टार्ट करेंगे बेटा हीरोन्स फॉर्मूला, और आज ही इसको खत्म भी कर देंगे। वन शॉट वीडियो है आप लोगों के लिए, स्पेशली आपके पेपर आ रहे हैं। इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर से याद आया, कुछ बच्चों के मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर पेपर अटेम्प्ट कैसे करें, पेपर में सर हम नर्वस हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, नर्वस आप तभी हो गए जब आपके मन में ये डाउट रहेगा कि मेरे को आता नहीं। और वो डाउट कब आता है दोस्तों, जब आपने प्रैक्टिस नहीं की। प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे तो ये डाउट आना लाजमी है दोस्तों। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप प्रैक्टिस ना करो और पेपर में जाके, मतलब वो तो तभी हो सकता है जब आपका या तो ऑल क्लियर हो, मतलब सब ऊपर से निकल गया हो, या फिर ऑल क्लियर हो कि माइंड में सब क्लियर है आपके। तो दोस्तों प्रैक्टिस अगर कर रहे हो आप, तो आपको ये टेंशन होगी नहीं कि मेरे पास पेपर जो आएगा टफ आएगा, इजी आएगा, या पेपर को देख के वो पसीने छूटने वाली बात वो आपके ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आप लोग तो रेगुलरली पढ़ रहे हो। जब आप पेपर देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो पुनिया सर ने हमें पढ़ाया था, अरे ये वाला क्वेश्चन तो हम ऐसे अटेम्प्ट कर देंगे, अरे ये वाला क्वेश्चन तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे डाउट पूछा था और वही क्वेश्चन आ गया। अगर आप पढ़ोगे, वैसे एक कंडीशन वो होता ना, कुछ ऐसे दे देते नीचे देते कंडीशंस अप्लाइड। वो कंडीशन अप्लाई क्या है दोस्तों यहाँ पे, कि सिर्फ रेगुलरली पढ़ाई करें। और ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है दोस्तों। जब आपको मजा आने लगेगा ना मैथ्स में, अब तो आई होप सो कि मजा आने लग गया होगा, प्लीज मुझे बताइएगा कि आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है मैथ्स पढ़ने में। मुझे ऐसा लगता है, मुझे पढ़ाने में आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है। जो माहौल आप लोगों ने क्रिएट कर रखा है ना, उसको देख के बड़ा ही मजा आता है। देखिए हम टीचर लोग जो होते हैं ना, मतलब हमें खुशी, जो सबसे बड़ी खुशी जो मिलती है वो आप लोगों के रिजल्ट से मिलती है। जब बच्चा ये बोलता है ना कि सर इतने आउट ऑफ इतने आ रहे हैं, सर मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, या होमवर्क क्वेश्चन देते हैं तो वो जल्दी से रिप्लाई करते हैं, तो उस चीज़ की खुशी अलग होती है दोस्तों। तो पढ़ते रहिए दोस्तों, आइए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है हीरोन्स फॉर्मूला। देखिए ये चैप्टर बेसिकली एप्लीकेशन का चैप्टर है। ये एप्लीकेशन किस चीज की है, देखिए हम ट्राइंगल्स पढ़ के आए और ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम इस चैप्टर को यूज करते हैं। ये बेसिकली एक फॉर्मूला है और कुछ नहीं है इस चैप्टर में आज तक आप लोगों ने। अच्छा इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। देखिए है तो एक ही फॉर्मूला, वो कौन सा है, ये वाला हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। बट हम इसमें एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल भी देखेंगे, जो आप लोगों को पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देन इक्विलेटरल का स्पेशल केस भी देखेंगे, देन वी विल टॉक अबाउट आइसोसेलेस ट्राइंगल का केस भी देखेंगे, और उसके बाद अगर कोई स्केलन ट्राइंगल आ जाता है या किसी भी टाइप का ट्राइंगल आ जाता है, उसको एरिया निकालने के लिए हम यूज करेंगे हीरोन्स फॉर्मूला। एंड देन हीरोन्स फॉर्मूला की एप्लीकेशन क्वाड्रिलेटर्स पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो देखेंगे। लेकिन आप लोग तो समझदार बच्चे हो, आप इस चीज को अभी बता सकते हो इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर का एरिया, अगर आपको ट्राइंगल के एरिया का, ट्राइंगल के एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है, तो क्वाड्रिलेटर का एरिया कैसे निकालोगे ये आप लोग मुझे बताओगे। प्लीज कैसे बताओगे वो भी आपको पता है, करिए कमेंट, बताइए क्या दिक्कत है। बड़ा ही इजी है क्वाड्रिलेटर, क्वाड्रिलेटर चार साइड वाला, तीन साइड के बाद ही तो चार साइड आती है दोस्तों। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर बेटा। देखिए आज तक आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल जब हम पढ़ते थे तो आपको ये पता था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकाल देते हैं, ठीक है सर। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हम जैसे बोलते हैं तो वो एरिया आया था हाफ इंटू बेस
इनटू हाइट। ऑब्वियसली परपेंडिकुलर होते हैं बेस और हाइट, ये सब बेसिक्स हैं, आपको पता है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में हमें अगर मान लीजिए कि ट्राइंगल की हाइट नहीं पता या ट्राइंगल का बेस नहीं पता, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस के लिए ये चैप्टर हम पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर बाय फाइंडिंग द एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल जैसे ही मैंने बोला तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तो बनना ही था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और यू कैन से हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स। ये आपको बेसिक थ्योरम, जो ये हलवा है आपके लिए, ये तो पता ही है सर, ये तो कितने सालों से पढ़ते आ रहे हैं। हाँ, ये वही फॉर्मूला है, जस्ट रिवीजन कर रहे हैं और आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं। वो होता है ना वार्म अप हो रहा है अभी। यहाँ जिम जाते हैं तो फिर वहां पे, या खेलने जाते हैं तो एक्सरसाइज करते हैं, पहले वार्म अप करते हैं, वैसे ही ये वार्म अप है आपका। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, ये सबको पता है, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे? तो आइए एक दो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं, बेसिक सस्ते सवाल, जैसे कि आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया था सस्ते सवाल है ये। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज बेस इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 10 सेंटीमीटर। इसमें जरूरी नहीं है कि ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल बोल रहा है, इसने हाइट बोल दी और बेस बोल दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिएगा ध्यान से। सबसे इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आएगा ऑब्वियसली, ये तो ना पूछेंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 7 × 10 इज 70, डिवाइडेड बाई 2 इज 35 सेंटीमीटर स्क्वेयर। ये याद रखिएगा, यूनिट्स के मार्क्स भी कट जाते हैं बच्चे, तो प्लीज ध्यान रखिएगा यूनिट्स लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर पूछे जा सकते हैं। द बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 2.5 times द इट्स हाइट, ओके। इफ द कॉस्ट ऑफ टर्फिंग इज इट एट ₹40/100m². ये लाइन इंपॉर्टेंट है बेटा। देखिए पहले तो क्या बोला, जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो लिख लेते हैं कि द बेस ऑफ अ ट्राइंगुलर फील्ड इज 2.5 times। तो लेट अस अज्यूम अगर बेस बी है तो दैट इज इक्वल्स टू 2.5 time ऑफ इट्स हाइट। तो मैंने हाइट को बेटा एक्स मान लिया, लेट अस अज्यूम हाइट क्या आपकी एक्स है, तो बेस कितना हो जाएगा बेटा 2.5 times, दैट इज 5/2। 2.5 का मतलब क्या होता है, 5/2 टाइम्स इट्स हाइट, तो बेस ही हो जाएगा, ठीक है सर। अब देखिए इसका कितना कॉस्ट लग रहा है, किस रेट पे लग रहा है, ₹40/100m², ओके सर। उसका टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है, ₹800 लग रहा है। अगर मैं बोलूं आपको कि अगर ₹40 लगते तो आप बोल देते कि सर 100m² एरिया होता, हाँ सर समझ में आ गया, तो लेकिन उसके रुपीज कितने लग रहे हैं, 800 लग रहे हैं। इसका मतलब अगर ₹1 लग रहा होता यहां से तो कितना एरिया होता, 100/40m², और अगर ₹800 लग रहे हैं तो इसका कितना एरिया होता, ऑब्वियसली 100/40 मल्टीप्लाइड बाय 800, 4 × 4 = 20, तो कितना जाएगा 20 × 100, दैट इज 2000m². ये मैंने क्या निकाल लिया, ये एरिया निकल गया, किस चीज का एरिया निकल गया, ये एरिया आ गया आपके ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया कितना आया दोस्तों, 2000m². ये यूनिटरी मेथड है जो आप लोग बचपन में करते थे कि 10 रुपए की 15 टॉफी, तो 5 रुपए की कितनी टॉफी, बताओ चलो 5 रुपए की मत बताना, आप बताना 20 रुपए की कितनी टॉफी, ठीक है 5 रुपए की टॉफी बताओगे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्या गड़बड़ होगी ये भी बता रहा। चलिए बहुत सारे सवाल पूछने वाला हूं आपसे, बताते रहिए, मजा आता है मुझे ना, मैं पढ़ता हूं सारे, सब पढ़ता हूँ, एक कमेंट पढ़ता हूँ दोस्तों आपके, बड़ा मजा आता है पढ़ने में, मुझे खुशी होती है अंदर से, तो प्लीज बताइएगा। तो ये यूनिटरी मेथड से मैंने, अगर उसके 800 रुपए लग रहे हैं तो ऑब्वियसली एरिया कितना होगा, 2000m², और ये क्यों निकाला, क्योंकि यही तो चाहिए था, आपके पास हाइट है, बेस है, एरिया है, फॉर्मूला लगाना है, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इज 5/2 × x, इंटू हाइट इज एक्स,
और एरिया किसके बराबर है बच्चे, 2000 के। तो कैन आई से 2000 इज इक्वल्स टू 5x² / 4। ठीक है सर, 5 वन टाइम्स, 4 टाइम्स दैट इज 400, 400 इंटू 4 तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1600। तो फ्रॉम हियर यू कैन से x कितना आ गया, ऑब्वियसली 40 आएगा। 16 का अंडर रूट करोगे तो 4, 100 का करोगे तो कितना आएगा 10, तो 40 मीटर आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड इट्स बेस, बेस इज 5/2 टाइम्स x, तो बेस इज इक्वल्स टू 5/2 टाइम ऑफ x दैट इज 40, तो ये कितना आ गया 100 मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। सस्ता सवाल, बस आपको यूनिटरी मेथड आना चाहिए जो कि ऐसे आता है सर हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट देखिए कंसेप्ट देखते हैं, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आप लोगों में से बहुत लोगों को याद भी होगा कि √3/4a² आता है, कैसे आता है वो समझते हैं। देखिए ध्यान से, कैन आई से इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मुझे तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला पता था, तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे, तो एडी आया। क्या मैं बोल सकता हूं, लेट अस अज्यूम मैंने एडी की हाइट मान ली एच, मैं क्या कर रहा हूं, एरिया निकालने की कोशिश कर रहा हूं। एरिया निकालने के लिए देखो, ये बेस तो है मेरे पास, ये हाइट मुझे मिल जाए तो काम बन जाएगा। अब देखिए ध्यान से, क्या मैं बोल सकता हूं कि बीडी की वैल्यू डीसी के बराबर होगी और उन दोनों की वैल्यू a/2 होगी। ऐसा क्यों दोस्तों, देखिए ध्यान से, ये दोनों ट्राइंगल जो हैं, कौन कौन सा, ADB एंड ADC दोनों कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स हैं। कैसे, कॉमन 90 डिग्री और साइड, RHS रूल से दोनों क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए, तो बाय CPCT दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे दोस्तों। दैट इज BD इज इक्वल्स टू DC। ठीक है सर, समझ में आ गया। तो इसका मतलब ये लेंथ भी इसके बराबर होगी, मतलब कि ये भी 8/2 होगी और ये भी a/2 होगी। अब क्या करना है, मैं ट्राइंगल ADB में पाइथागोरस सर का जो हमें पाइथागोरस थ्योरम दी है सर ने, उसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो सर ने हमें दिया था उसका इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा ना दोस्तों। मैं आपको बता रहा हूं तो आप भी तो यूज करिए जो आपको समझा रहे हैं। चलिए, तो कैन वी से कि इसमें अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो दैट इज AB² इज इक्वल्स टू AD² प्लस BD² हाँ सर, AB² की वैल्यू कितनी है A² AD² की वैल्यू कितनी है H² H अज्यूम की थी और BD² की वैल्यू कितनी है A² / 4 क्यों a/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा a² / 4 ये a² / 4 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा a² - a² / 4 इज इक्वल टू h² तो यहां से h² कितना आ गया 3a² / 4 तो हाइट कितनी आ गई दोस्तों अंडर रूट हो जाएगा √3a/2। अब ये मत पूछिएगा सर कैसे आया, ये तो बेसिक है ना, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो आनी चाहिए, कुछ भी कैलकुलेशन तो की नहीं है। ये मत पूछना उधर की साइड चला गया तो क्या होगा, अरे इतने सस्ते सवाल पूछोगे नहीं। ठीक है, हम तो पूनिया जी के स्टूडेंट हैं, ऐसे कैसे सर। चलिए, तो हाइट आ गई, एरिया निकालने के लिए बेसिकली एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना होता है दोस्तों, इस केस में बेस कितना हो गया a, इंटू हाइट कितना है √3/2 a। तो एरिया देखिए ध्यान से क्या बोल सकता हूं, a इंटू a करेंगे तो a² √3/4 तो बेसिकली यू कैन से दैट इज इक्वल टू √3/4 a² तो कभी भी अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो वो कितना होता है √3/4 a² तो ये हमें याद रखना है दोस्तों। अगर याद नहीं होता है तो फिर आप परपेंडिकुलर निकाल के पाइथागोरस से और फिर यूज कर सकते हो। चलिए आइए एक क्वेश्चन करते हैं, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगुलर चिल्ड्रन पार्क बच्चों के पार्क का एरिया जो है वो कितना है 6400 √3 m² देन फाइंड द ईच साइड ऑफ द पार्क। ईच साइड का मतलब क्या है, सारी साइड तो बराबर होंगी सर, इक्विलेटरल है तो साइड साइड क्या होंगी, बराबर होंगी सर। तो कैन आई से एरिया इज इक्वल टू
रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर. देखिए यहां पे ऐसे लिख लीजिएगा, लेट अस अज्यूम द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल बी इज ए मीटर, और अगर ए मीटर है उसके बाद एरिया इज इक्वल टू रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर. ऐसे सजा के लिखना है ताकि टीचर भी तो देखे, अरे साफ सुंदर बच्चे ने लिखा हुआ, नंबर फ्री में दो 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 दो, ऐसे ऐसे मिलने चाहिए. प्रेजेंटेशन स्किल्स मैटर करती हैं दोस्तों. राइटिंग गंदी है तो फिर पढ़िए अच्छा, अगर राइटिंग अच्छी है तो फिर भी पढ़िए अच्छा. देर इज नो ऑप्शन, कोई और ऑप्शन नहीं है, पढ़ना तो पढ़ेगा ही. ठीक है, आइए. एरिया कितना हो जाता है रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर. कैन आई से 6400 रूट थ्री इज इक्वल टू रूट थ्री बाई फोर ए स्क्वायर के बराबर आ जाएगा. रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा तो 6400 इंटू फोर इज इक्वल टू ए स्क्वायर. तो ए की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, अंडर रूट ऑफ 6400 इंटू फोर. देखिए 4 का अंडर रूट करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा सर. 64 का करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा सर. 100 का करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा सर. तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा 2 इंटू 8 इंटू 10 दैट इज 160. 8 दुनी 16 और 10, सही लिखा है ना, बिल्कुल सही है सर. तो ए साइड कितनी आ गई, 160 मीटर. यूनिट मत लिखना भूलिएगा दोस्तों, नंबर कट जाते हैं, दोबारा बता रहा हूं. तो ये सिंपल सा क्वेश्चन, सस्ता सवाल, खत्म हो गया. अब आते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल पे. आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लोगों को पता है कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड बराबर होती है. तो एरिया निकालने के लिए हम डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं या फिर हम ड्राइव भी कर सकते हैं. तो इसमें ड्राइव करके देख लेते हैं, एक बार पता होना चाहिए. तो मेरे को एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा है जिसमें ए बी ए सी के बराबर है, दैट इज ए यूनिट्स. एंड हाइट को मैंने बी सी जो है वो है बी यूनिट्स, एंड हाइट ए डी को मैंने क्या मान लिया बेटा, एच. अब आप लोग ये देख पा रहे होंगे कि ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. ए डी बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए डी सी बाई आर एच एस रूल, सिंपल. तो बी डी की वैल्यू भी बी बाई टू आ जाएगी और डी सी की वैल्यू भी बी बाई टू आ जाएगी. तो एरिया देखिए ध्यान से, एरिया कैसे लिख सकता हूं, हाफ इंटू बेस. बेस कितना है, बी. अच्छा पहले हम एच की वैल्यू निकाल लेते हैं. पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं ट्राइंगल ए डी बी में. जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं तो कहना इसे एच स्क्वेयर प्लस बी बाई टू का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर. ठीक है सर. तो एच स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर बाई फोर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर. ठीक है सर. तो एच स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बाई फोर. समझ में आ रहा है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे लेके गया हूं. ठीक है सर. तो एच की वैल्यू, एच स्क्वेयर की वैल्यू कितनी आ गई, फोर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन फोर. फ्रॉम हियर यू कैन से एच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन, जब इसका अंडर रूट करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2. तो आपके पास ये हाइट आ गई. और जैसे ही हाइट मिली सर, समस्या खत्म हो गई जीवन की. जीवन की जो समस्या थी, कौन सी समस्या थी जीवन की, जीवन की समस्या थी कि सर हाइट नहीं है, बेस था. जैसे ही हाइट मिली समस्या खत्म हो गई. एरिया का फॉर्मूला आपने हमें बताया है हाफ इंटू बेस. बेस कितना हो गया, बी इंटू हाइट. हाइट कितनी है बच्चे, 4 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 2. तो एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा दोस्तों, एरिया विल बी इक्वल टू बी, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा 4, अंडर रूट ऑफ 4 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर. ये एरिया का फॉर्मूला है, आप डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो, यूनिट स्क्वेयर आपकी लास्ट में लगा दोगे. ठीक है. तो एरिया क्या आया दोस्तों, बी स्क्वेयर बी बाई फोर अंडर रूट ऑफ 4 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, वेयर ए इज द साइड टू वन ऑफ द इक्वल साइड्स एंड बी इज द नॉन इक्वल साइड. सर जो नॉन इक्वल साइड है उसको हमने बी माना है, जो इक्वल साइड है उनको क्या माना है, ए माना है सर. समझ में आया. तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बताओ, अरे बताओ. और आइसोसेलेस का, हाँ ठीक है चलो, ऐसे मन ही मन बताइए तभी तो याद होगा.
चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं कि जरूरी नहीं है आपको फॉर्मूला मतलब अप्लाई ही करना है। आप फॉर्मूला ना अप्लाई करके पाइथागोरस थ्योरम का, जैसे नंबर्स के ऊपर है मान लो ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आया, तो आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। अगर छोटा एक दो नंबर का क्वेश्चन आया तो यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला। एक तो अच्छी बात होगी कि आपको फॉर्मूला पता है। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों क्या है। फाइंड द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा है जिसमें ये बी और ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है सर। बी डी कितना है बेटा? 4 है। और डी सी भी कितना है? 4 है। तो बेसिकली आप इस क्वेश्चन को सिंपल वे से सॉल्व कर सकते हो। एरिया पूछा है आपको, एरिया पूछा है, ये पूरी 8 है, तो अगर मुझे हाइट मिल जाए तो काम बन जाएगा। इफ दिस इज 5 दिस इज 4 तो ये कितना हो जाएगा? 3 ही आएगा सर। क्या आएगा? 3 ही आएगा सर। तो जैसे ही 3 मिला तो एरिया मिल गया आपके पास। एरिया कितना आ गया? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है? हाफ इंटू बेस इज 8 इंटू हाइट इज 3। तो 8 इंटू 3 इज 24 बाई 2 इज 12। यूनिट है मीटर, तो मीटर स्क्वेयर एरिया आ गया। अगर ऐसे नहीं करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि एरिया इज इक्वल टू बी बाय 4 अंडर रूट ऑफ 4 ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। दैट इज बी कितना है बेटा? 8 बाय 4 अंडर रूट ऑफ 4 इंटू ए, ए इज द साइड जो बराबर होती है, तो 5 का स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। बी कितना है दोस्तों? ऑब्वियसली 8 का स्क्वेयर। तो 8 बाय 4 इज 2 अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वेयर इज 25 इंटू 4 इज 100। तो 100 माइनस 64, 8 का स्क्वेयर कितना हो गया? 64। तो कितना आया? 2 इंटू 100 माइनस 64 इज 36, 36 का अंडर रूट 6। तो वी कैन से 2 इंटू 6 दैट इज 12 मीटर स्क्वेयर। आंसर सेम आ रहा है, देखो देखो जादू। अरे आंसर तो सेम ही आना था दोस्तों, आंसर सेम नहीं आएगा तो कैसे चलेगा? आंसर तो सेम आना ही पड़ेगा, तभी तो फॉर्मूला सही होगा ना। तो ये वेरिफिकेशन भी हो गई फॉर्मूला की और आंसर भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पैरिमीटर 30, पैरामीटर 30 एंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। देखो पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर सबको पता है सर, सम ऑफ ऑल द साइड। तो अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं तो दो साइड बराबर होंगी और तीसरी साइड अलग ले ली, बी मान ली, तो दोनों साइड को ए पैरामीटर पी एंड थर्ड साइड इज बी। ओके फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो पैरामीटर कितना दे रखा है दोस्तों? 30 दे रखा है। ये ए की वैल्यू 12 दे रखी है, 12 दे रखी है, तो बी, तो बी कितना आ जाएगा? ऑब्वियसली 6 सेंटीमीटर। 12 प्लस 12 24, 24 इधर आया सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, कितना बचेगा? 6 बचेगा सर, 6 सेंटीमीटर आ गया। एरिया निकालना, देखिए ध्यान से क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये देखो ये 6 है मान लीजिए, तो जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ये 3 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। हाँ सर, 3 दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे, ठीक है सर। कैन आई से अगर ये 3 है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के एच निकाल सकते हो? हाँ सर, एच निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए ध्यान से। कैन आई से ट्राइंगल, इधर ही कर लेते हैं, ट्राइंगल ए, इसको नाम दे देते हैं डी, कर देते हैं इसको नाम ए डी बी, ए डी बी। कैन आई से 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर? 12 स्क्वायर इज 144 इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 9, ठीक है सर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 144 माइनस 9, ठीक है सर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया? 135, ठीक है सर। अब 135 को देखिए कैसे लिख सकते हो आप, 135 को आप कैसे लिख सकते हो? अब h को ऐसे अंडर रूट ऑफ 135। अब 135 क्या है बेटा? 15 इंटू 9 है। हाँ सर, 15 इंटू 9 लिख सकते हो आप। तो इसको मैंने जैसे ही 15 इंटू 9 लिखा तो 9 का अंडर रूट करेंगे तो बाहर आ जाएगा, कितना आएगा? 3। तो हाइट कितनी आ गई दोस्तों? 3 अंडर रूट ऑफ 15। यूनिट कितनी है? सेंटीमीटर, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो एरिया कितना आएगा दोस्तों? एरिया विल बी इक्वल टू हाफ इंटू बेस कितना है दोस्तों? 6
देखो यहाँ पे गलती कर जाते हैं बच्चे, बेस इसमें 3 ले जाते हैं तो गड़बड़ी हो जाएगी। बेस तो पूरा लोगे ना, 6 लोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इज 3√15 सेंटीमीटर। 2 × 1 × 6 इज 3 times, तो 3 से कैंसिल आउट हो गया, 3 × 3 इज 9, तो आंसर कितना आ गया 9√15 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। और आपका होमवर्क क्या है, फॉर्मूले में आप पुट करके देखिए क्या फॉर्मूले से आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। आंसर सही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। गलती कर दिए सर, गलती नहीं किए, क्या किया बताओ, ये तो मैं चेक कर रहा था कि आपका ध्यान है या नहीं। जिस बच्चे का ध्यान था बहुत बढ़िया, जिसका नहीं था क्यों नहीं था भाई, ध्यान रखो ना दोस्तों कि सर यूनिट एरिया सेंटीमीटर में लिख रहे हो, वाह वाह गुरुदेव वाह, बहुत बढ़िया। चलिए तो एरिया कितना है दोस्तों, 9√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आता रहता है पेपर्स में, प्लीज ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है। देखिए क्या बोला गया है कि द एरिया ऑफ एन आइसोसेलस राइट ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल भी है और आइसोसेलस ट्राइंगल भी है, तो मतलब दो साइड बराबर होंगी और हाइपोटेन्यूस तो सबसे बड़ी साइड होती है, वो तो हो ही नहीं सकती, इसका मतलब जो परपेंडिकुलर साइड्स हैं वही क्या होंगी, बराबर होंगी, तो मैंने परपेंडिकुलर साइड्स को एक्स मान लिया। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसका एरिया कितना है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है सर। देखिए और निकालना क्या है आपको, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस पहले निकाल लेते हैं। कैन आई से राइट एंगल ट्राइंगल है तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है सर, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो कैन आई से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2x square, तो AC की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, √2x, AC की वैल्यू कितनी आई, √2x। और अब सर आंसर आ गया, अरे x की वैल्यू तो निकालनी है, x की वैल्यू निकलती इसके अंदर पुट करूंगा हाइपोटेन्यूस की वैल्यू आ जाएगी, तो आपको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया जो होता है वो कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है सर, बेस कितना है x, हाइट कितनी है x, हर जगह x ही x हो रखा है, हाफ इंटू x इंटू x, तो कहना इसे ये आया x स्क्वायर बाय 2, और एरिया क्वेश्चन में कितना दे रखा है 128, तो x स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेटा, 128 इंटू 2 256, तो कहना इसे x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 256, और ये तो उम्मीद है सबको पता होगा किसका स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर 16 सेंटीमीटर। तो हाइपोटेनियस AC कितना आ गया दोस्तों, AC इज इक्वल टू √2x, दैट इज 16√2 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको ऐसे करना है कि हाइपोटेन्यूस को एक्स मानना है तो हाइपोटेन्यूस भी एक्स मान लीजिए, कॉरेस्पॉन्डिंगली आपकी साइड आ जाएंगी, वो कितनी आएगी वो भी चेक कर लीजिएगा। जैसे अगर इसको एक्स मानते हो, ये एक्स नहीं है आपका, ये भी एक्स नहीं है, तो जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी आई थिंक एक्स बाय रूट टू आ जाएगी, हाँ एक्स बाय रूट टू ही आएगी, एक बार चेक करके बताइएगा कि सही आप बताया या नहीं बताया, ये भी एक्स बाय रूट टू और ये भी एक्स बाय रूट टू, अगर हाइपोटेन्यूस को आप एक्स मानते हो तब, अदरवाइज नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ इट्स इक्वल साइड्स आर 13। सस्ता सवाल सर, क्यों, क्योंकि एरिया की वैल्यू आपने दे दी हमें 60 और इक्वल साइड्स भी आपने हमें दे दी है, वो कितनी है 13, तो बेस निकालना है, तो दोनों तरीकों से कर सकते हो, फॉर्मूला से भी कर सकते हो और पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज कर सकते हो। चलिए आइए फॉर्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट अस अज्यूम ये जो बेस है इसको मैंने एक्स मान लिया, और यू कैन से द अननोन साइड भी
एक्स, ठीक है सर। कैन आई से एरिया इज इक्वल्स टू बी बाय फोर अंडर रूट ऑफ फोर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यही एरिया होता है एसोसिएट्स ट्राइंगल का, वेर ए आर द ए इज द इक्वल साइड एंड बी इज द नॉन इक्वल साइड सर, ठीक है। वैल्यूज पुट करते हैं, एरिया की वैल्यू कितनी है दोस्तों 60, बी की वैल्यू कितनी आपने अज्यूम की है एक्स अपॉन फोर, ठीक है सर। अंडर रूट ऑफ फोर इंटू ए की वैल्यू कितनी है बेटा 13 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। 60 इंटू फोर, जब 4 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 24, एक्स जीरो एज इट इज इक्वल टू एक्स इंटू, अब देखिए आपके यहां पे कैलकुलेशन का खेल है। कैलकुलेशन का खेल क्यों है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि अंडर रूट है, इसको रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पहले मैं लिख लेता हूं कि एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ, अब देखिए ये 4 है ना, इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, हाँ सर। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, देखिए रेदर देन कैलकुलेटिंग पहले 13 का स्क्वायर करोगे इंटू 4 से मल्टीप्लाई करोगे, उससे अच्छा है आप क्या करो कि ये 4 को भी अंदर ले जाइए, तो जैसे स्क्वायर के अंदर लेके जाओगे तो 4 की जगह 2 जाएगा अंदर, ऑब्वियसली 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, तो 2 इंटू 13 दैट इज 26 का स्क्वायर लिखा हुआ है साफ साफ, और 26 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 676 होता है सर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, जैसे ही मैंने स्क्वेयर किया तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आया 240 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस साइड क्या है बेटा जब स्क्वेयर करूंगा तो इसका भी स्क्वायर होगा दैट इज एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट गायब हो जाएगा तो 26 का स्क्वायर तो है 676 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है सर। अब देखिए 24 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है 576, और 10 का स्क्वायर करोगे तो 00 आ जाएगा। ये कैलकुलेशन है, ये आपको करनी पड़ेगी, रेदर देन कैलकुलेटिंग दिस 24 इंटू 24 या 240 इंटू 240, आपको 24 का स्क्वायर कैलकुलेट किया और 10 का स्क्वायर कैलकुलेट कर दिया, क्यों, क्योंकि ये लिखा हुआ है यहाँ पे साफ साफ 240 का स्क्वायर निकालना है, इसको मैंने क्या लिख दिया 24 इंटू 24 इंटू 10 इंटू 10, एक ही तो बात है, 24 का स्क्वायर आपको कितना पता है 576 और ये 100, तो 00 आगे ऐड कर दी, तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशन है ये आनी चाहिए। इज इक्वल टू, जब ये एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो 676 एक्स स्क्वायर, और जब एक्स स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एक्स की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है सर। अब देखिए रीशफल कर लेता हूं सबको, लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूं, तो ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 माइनस 676 एक्स स्क्वायर प्लस 576 डबल जीरो इक्वल टू जीरो। अब ये आपका पॉलिनोमियल्स चैप्टर आ चुका है, जहां पे आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो सर पावर 4 है कैसे करेंगे, अरे रिड्यूस करने की कोशिश करिए, एक्स स्क्वायर को टी मान लीजिए, एक्स स्क्वायर को टी मान लिया तो ये क्या है बेटा, ये है टी स्क्वायर माइनस 676 टी प्लस 576 डबल जीरो। अब आपको साफ साफ दिख रहा है, देखो ये 676 टी है और ये 576 टी है, तो साफ साफ दिख रहा है कि 676 को किसमें ब्रेक करोगे, किसमें ब्रेक करोगे, इसको आप ऑब्वियसली ब्रेक करोगे 576 और 100 में, तो जैसे ही मैंने इसको ब्रेक किया टी स्क्वायर माइनस 576 टी माइनस 100 टी प्लस 576 डबल जीरो इक्वल टू जीरो। एक और स्लाइड ऐड कर लेते हैं, लग रहा है कि इंटरेस्टिंग है, तो ये क्या आया बेटा टी स्क्वायर माइनस 576 टी माइनस 100 टी प्लस 576 डबल जीरो इक्वल टू जीरो, यही इक्वेशन बनी आपकी, ठीक है सर। तो जैसे ही इसको सॉल्व करोगे, यहां से टी कॉमन लिया, टी माइनस 576 माइनस 100 कॉमन लिया तो टी माइनस 576 इक्वल टू जीरो, तो एक आ जाएगा टी माइनस 100 और एक आ जाएगा टी माइनस 576 इक्वल टू जीरो, तो एक तो आया टी की वैल्यू 100 और एक टी की वैल्यू कितनी आई 576। अब देखिए इस क्वेश्चन में दो आंसर आ रहे हैं और दोनों सही होंगे, टी आपने क्या अज्यूम किया था, एक्स स्क्वायर को आपने क्या माना था
टी माना था, तो वापस से पुट कर रहा हूं वैल्यू। जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू 100 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, और जैसे ही मैंने एक्स स्क्वायर की वैल्यू 576 पुट की तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24। ये दो आंसर आ रहे हैं। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड इट्स बेस, और बेस क्या अज्यूम किया था, x अज्यूम किया था, और x की दो वैल्यू आ रही है, एक आ रहा है 24 और एक आ रहा है 10। क्या दोनों सही होंगी? हाँ बेटा, दोनों वैल्यू सही होंगी। क्यों सही होंगी ये समझते हैं। देखिए ध्यान से, अगर ये x 24 होता है, देखिए ये 13 तो फिक्स ही रही, ये अगर 24 होता है 13 तो हाइट जो होगी h होगी, लेट अस अज्यूम। और दूसरे केस में क्या हो सकता है कि अगर ये बेस 10 होता है तो हाइट कितनी हो जाएगी, h1 h2 मान लेते चलो। अब ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग ट्राइंगल, तो दो अलग अलग बनेंगे लेकिन उनका एरिया क्या आएगा, सेम आएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ सर पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है बेटा? क्योंकि देखिए जैसे ही इसकी 24 होगी तो ये हाइट कुछ h1 आ जाएगी, कॉरेस्पॉन्डिंगली जब 10 होगी तो हाइट h2 आ जाएगी। अब सवाल आप लोगों के लिए कि क्या h1 बड़ा होगा या h2 बड़ा होगा, ये आपको बताना है। ऑप्शन क्या है, h1 इज ग्रेटर देन h2, h1 इज लेस देन h2, h1 इक्वल टू h2, और चौथा क्वेश्चन, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर, कुछ भी हो हमें नहीं पता, हमारा तो आंसर आ गया। दो आंसर है, एक 24 है और एक 10 है सर। ऐसा नहीं करना, तीन ऑप्शन में से आंसर देना है आप लोगों को, प्लीज ट्राई करिएगा, पता लगेगा आपको, खुद को पता लग जाएगा। बेसिक है, कुछ भी नहीं है, बेसिक ऐसे बेसिक वाला सस्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं बेटा, जो इस चैप्टर का नाम था वह आधे घंटे के बाद आया है, हीरोन्स फॉर्मूला। क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। बेसिकली आपको फॉर्मूला याद रखना है और कुछ भी नहीं है, इसकी डेरिवेशन आप इसलिए उसमें है नहीं। देखिए अगर आपके पास जैसे राइट एंगल, आइसोसेलेस और इक्विलेटर आता है तो आप वैसे कर सकते हो, अगर नहीं आता है तो यू कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला, मतलब ऑब्वियसली यू विल यूज दिस फॉर्मूला। अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल आता है तो आप भी ये भी फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, इक्विलेटर आता है तो भी यूज कर सकते हो। किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो बात करते हैं एस की। एस क्या होता है बेटा, सेमी पैरामीटर। एस क्या होता है, सेमी पैरामीटर। उसकी वैल्यू कितनी होगी, ऑब्वियसली पैरामीटर का हाफ, और पैरामीटर क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स। तो एस की वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, जो कि यहां पे लिखी भी हुई है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी बाय प्लस सी बाय 2। एस स्टैंड फॉर सेमी पैरामीटर, ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल सर। तो अगर एरिया निकालना है तो एरिया किसके बराबर आएगा, किसी भी ट्राइंगल का एरिया विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये आपका एरिया आ जाएगा यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। आपको इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कोई मतलब नहीं है, जितना पढ़ा रहे हैं उतना पढ़ लीजिए, बढ़िया है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बस इस चैप्टर में ये फॉर्मूला याद रखोगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। वी कैन यूज द गिवन लेंथ ऑफ द थ्री साइड ऑफ ए ट्राइंगल बाय यूजिंग द फॉर्मूला एस माइनस एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, वेयर एस स्टैंड्स फॉर सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल एंड ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। जो चीज मैंने आपको बताई वही यहां पे लिखी हुई है। कैसे यूज करेंगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये साइड्स जो है, बड़ी बड़ी साइड्स दे दी आपको, द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल हैज द साइड्स ऑफ लेंथ 56 60 एंड 52, फाइंड द पैरीमीटर। तो पहले पैरीमीटर निकालते हैं। पैरीमीटर पूछा है दोस्तों, सेमी पैरीमीटर नहीं पूछा, पैरीमीटर पूछा है। तो क्या होता है, सम ऑफ द साइड्स। तो कैन आई से ये आ गया 56 प्लस 60 प्लस 52 और 56 108 एंड 60 168 सेंटीमीटर, ये आपका पैरीमीटर आ गया। एंड फाइंड इट्स एरिया। तो ना मुझे पता इक्विलेटर, आइसोसेलेस, कुछ भी नहीं पता, हीरोन्स फॉर्मूला डायरेक्टली लगाएंगे। टेंशन नहीं लेनी सर,
फादर साहब हैं मेरे, वो कहते हैं पुत्रा टेंशन लेनी नहीं है, देनी है। क्या कहते हैं कि बेटा टेंशन लेनी नहीं कभी जिंदगी में, देनी है। दूसरों लोगों को टेंशन देनी है, तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि आप मुझे टेंशन दे दो या अपने घर वालों को टेंशन दे दो। पता लगा आज मैंने बोल दिया, आपने घर वालों को टेंशन दे दी और मस्त मार पड़ रही है आज। फिर खाना नहीं खाओगे, ये सब नहीं। टेंशन दुनिया को देनी है, खुद को लेनी नहीं है। ये याद रखिएगा, जिंदगी का मंत्र अगर ये बना लोगे तो कभी प्रॉब्लम में नहीं आओगे, तो हंसते रहोगे, फन चलता रहेगा। फिर चलिए आइए, तो पेरीमीटर कितना दे दिया बेटा 168। अब एरिया निकालना, तो सेमी पेरीमीटर निकालूंगा, सेमी पेरीमीटर इज पेरीमीटर बाय 2, तो दैट इज 168 बाय 2, दैट मींस कितना आ गया ये, आई थिंक 84 सेंटीमीटर। हाँ सर 84 आ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, हमें क्या निकालना है बच्चे, एरिया निकालना है। तो एरिया विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, दैट मीन्स अंडर रूट ऑफ 84 इंटू 84 माइनस 56, 84 माइनस 60 एंड 84 माइनस 52। ठीक है सर, 52 ये ना, हाँ सर समझ में आ गया। तो कहना ही सही, ये कितना आ गया 84, तो एज इट इज आ गया, इनटू 84 में से 56 गए तो कितना आ जाएगा 24, नहीं 60 गए 28, तो कितना आ जाएगा 28 इनटू 84 में से 60 गए तो कितना आ जाएगा 24 इनटू 84 में से 52 गए तो कहना इसे 32। हाँ सर सही है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, कुछ नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। जैसे ही आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, देखिए ध्यान से, मुझे दिख रहा है 28 में भी एक 7 दिख रहा है, 84 में भी 7 दिख रहा है, तो 7 का काम खत्म करते हैं। 84 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 21, और 21 को फर्दर क्या लिख सकता हूँ 3 इंटू 7, 3 इंटू 7 इज 21, 21 इंटू 4 इज 84, 28 को क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 4, 24 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 3, और 32 को लिख सकते हैं 8 इंटू 4। ठीक है सर, देखो 2 7 है, एक 7 बार आ गया, 2 4 है, एक 4 बार आ गया, 2 3 है, एक 3 बार आ गया, 2 8 है, एक 8 बार आ गया, और एक 4 बचा, 4 का अंडर रूट आपको पता कितना हो गया 2। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, ये आ जाएगा 84 इंटू 16, 84 इंटू 16 एंड विच इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके देख लो दोस्तों, 84 इंटू 16 4 6 48 52 4 सॉरी 4 कितना था यहाँ पे और 8 तो 4 6 गड़बड़ी कर दी कहीं मैंने, आई थिंक सो। तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा तकरीबन 800 और 400 1200 1300 के आसपास आंसर आना चाहिए, तो 1300 समथिंग आंसर है बेटा, चेक कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड आर 126 168 एंड 210 मीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। सिंपल सवाल, ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड। अब देखिए ध्यान से, शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड अगर निकालना है तब क्या होगा। एरिया तो आप निकाल सकते हो, एरिया जैसे निकालोगे, एरिया कैसे आएगा बेटा, एरिया तो आपको पता है सेमी पैरामीटर निकाल लोगे, देन अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से एरिया आ जाएगा। लेकिन शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड कैसे पता लगेगा, देखिए दोस्तों अभी आपको जो मैंने पहले भी एच वन एच टू का जो क्वेश्चन पूछा था उसी का सेम कंसेप्ट यहां पे अप्लाई हो रहा है। देखो शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड कब आएगा, क्योंकि एरिया तो देखो ट्राइंगल का एरिया तो कॉन्स्टेंट होगा, और एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है सर, अगर मान लीजिए यहां पे ऐसे एल्टीट्यूड ड्रॉप करता हूं, लेट अस अज्यूम इसकी एच वन है, तो बेस कितना आ जाएगा 210, तो हाफ एज इट इज बेस 210 इंटू हाइट एच। अगर ये 200 के से ज्यादा होता, कोई भी साइड 200 से ज्यादा होती, तो ऑब्वियसली फिर इसको कम होना पड़ता,
क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट, देखिए ध्यान से, अगर दो वैल्यूज का प्रोडक्ट, लेट अस अज्यूम सी इंटू डी का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट है, तो अगर C बड़ा हो रहा है तो D ऑब्वियसली क्या होगा, छोटा हो रहा होगा। तो अगर C को सबसे बड़ा ले लिया मैंने तो D सबसे छोटा आ जाएगा। हाँ सर, तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड, शॉर्टेस्ट हाइट कब होगी, जब बेस सबसे बड़ा लोगे आप। तो बेस अगर 210 लेते हो तभी उस केस में शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड आएगा। तो प्लीज इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए होमवर्क है, प्लीज आप मुझे निकाल के बताइए कि पहले तो एरिया क्या आएगा, एरिया क्या आएगा, और दूसरा शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड। आई होप सो शॉर्टेस्ट एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब तो पता ही है, एल्टीट्यूड क्या होता है, 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री मतलब हाइट, हाइट शॉर्टेस्ट कब होगी, जब बेस लॉन्गेस्ट होगा। और इसमें लॉन्गेस्ट बेस कितना लेंगे आप, 210 ही लोगे, ऐसे थोड़ी ना ऐसा 210 के भी आगे ले जाओ, ट्राइंगल तो सेम रहना है, या तो बेस 126 लेते या 168 लेते या 210 लेते। तो अब मैं 210 लूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे लेंथ जो पूछी है वो शॉर्टेस्ट पूछी है। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, ये आपको एप्लीकेशन है किस चीज की, हीरोज फॉर्मूला की एप्लीकेशन है कि क्वाड्रिलेटर का एरिया कैसे निकालेंगे। अब आपको पता है क्वाड्रिलेटर, कोई भी रैंडम क्वाड्रिलेटर अगर मैं बना देता हूं, क्वाड्रिलेटर रैंडम बना देता हूं बेटा, तो बेसिकली आपको क्वाड्रिलेटर क्या है, क्वाड्रिलेटर क्या है, दो ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है सर, दो ट्राइंगल का कॉम्बिनेशन जैसे ही करोगे आप तो एरिया इसका भी आ जाएगा, इसका एरिया आ जाएगा, दोनों का एरिया एड करेंगे तो किसका एरिया आ जाएगा, ऑब्वियसली क्वाड्रिलेटर का एरिया आ जाएगा। तो आइए इसके ऊपर क्वेश्चंस करके देखते हैं, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, क्यों, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला आपको आता है, आपने पढ़ लिया है, क्वेश्चंस आपने लगा लिए हैं, और क्वाड्रिलेटर क्या है, दो एडिशन करवाना है सर, दो ट्राइंगल के एरिया का एडिशन करवाना है, और एडिशन तो सर हमें आता ही है। तो आइए देखते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी, ए बी सी डी पूछा हुआ है, इन विच ए बी 3 दे रखा है, बी सी 4 दे रखा है, सी डी अभी आपको ये साइड नहीं दे रखी, आई थिंक सो नहीं दे रखी है, हाँ बी सी कितना दे रखा है बेटा, बी सी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, सी डी कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ए डी कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर, और ए सी भी आपको कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर। अगर नहीं दिया होता तो दिक्कत होती, वैसे यहां पे 90 डिग्री दे रखा था, लेकिन मेंशन कर देना चाहिए कि 90 डिग्री है, या फिर उन्होंने साइड दे दी तो आपको क्लियर कट पता लग गया कि क्या है, 90 डिग्री है। अब देखिए ध्यान से, आप इसमें दोनों तरीके अपना सकते हो कि ए बी सी डी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज इक्वल टू, कैन आई से एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है सर, अब ए बी सी का एरिया इधर निकाल देंगे, ए सी डी का इधर निकाल देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। देखिए ए बी सी का एरिया क्या ना, इसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। ठीक है सर, दैट इज हाफ इंटू बेस कितना बेटा 3 मान लीजिए, हाइट कितनी हो जाएगी 4, तो 2 टाइम्स तो कितना आ जाएगा 6, प्लस ए सी डी का एरिया कैसे निकाल सकते हो, ए सी डी मुझे दिख रहा है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो आप आइसोसेलेस ट्राइंगल के फॉर्मूले से निकाल सकते हो, हीरोन्स फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। तो चलो हीरोन्स फॉर्मूला से निकाल देते हैं, यहां पे साइड में निकाल के बता देता हूं बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी कैसे निकालोगे, कैन आई से सेमी पैरामीटर इज इक्वल टू 5 + 5 = 10 + 6 = 16 डिवाइडेड बाई 2 = 8। ठीक है सर, तो एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8 × 8 - a दैट इज 3 × 8 - b और यू कैन से 5 दैट इज 3 × 8 - 6 दैट इज 2। ठीक है सर, 8 × 2 = 16, 16 का अंडर रूट 4, 3 × 3 का अंडर रूट 3, तो 4 × 3 दैट इज 12 यूनिट लिख देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका 6 आ रहा और इसका कितना रहा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर कितना आ गया दोस्तों 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसका, एरिया
ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी। सिंपल सा क्वेश्चन, कैसे भी कर सकते थे, आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू 2.4, बी सी इज इक्वल्स टू 5.8, ए सी इज इक्वल्स टू 6.8 एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम डी ऑन ए सी इज 7.5। सवाल क्या है, डेसिमल में दे दिया सर, कुछ भी नहीं करवा रहे, कैलकुलेशन करवा रहे हो, कर देते हैं कैलकुलेशन सर। कैन आई से एरिया ऑफ ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटर है उसका एरिया कैसे आएगा दोस्तों, दोनों के एरिया का सम आएगा, कौन कौन से, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अब देखिए, देखिए मैं हूँ गुरु आपका, है ना टीचर, तो मैं तो करूँगा आसान काम और आपको, आपसे करवाऊंगा टफ काम। कैसे, कि मैं निकालूंगा एक एरिया और आप लोगों को पता है कौन सा एरिया निकालने वाला हूं मैं। ऐसा नहीं है कि कैलकुलेशन नहीं आती, कैलकुलेशन आती है, लेकिन आपकी कैसे सही होगी वो हमें पता लगेगा जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो मैं आपको ए डी सी का एरिया निकाल के दिखाता हूं दोस्तों, देखिए ध्यान से। कैन आई से, अब आपको समझ में आ रहा होगा, चलो कैलकुलेशन आप ही करिएगा पूरी। ट्राइंगल ए डी सी का एरिया कैसे निकालोगे दोस्तों, कैन आई से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे। बेस कितना आपका दोस्तों 6.8, हाइट कितनी है दोस्तों आपकी 7.5, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाओगे तो देखिए ध्यान से क्या आएगा, हाफ इंटू बेस 6.8 इंटू हाइट 7.5, ये आ जाएगा 3.4, 7.5 इंटू 3.4 ये 25.5 के आसपास आना चाहिए, ठीक है, देख लीजिएगा 25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा अप्रोक्सीमेटली। एंड देन यू नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ए बी सी बाई यूजिंग हिरॉन्स फॉर्मूला। हिरॉन्स फॉर्मूला क्यों, क्योंकि और कुछ दे नहीं रखा ना, 2.4, 5.8, 6.8, तो सम कर दोगे तो ऐसा आ जाएगा, डिवाइडेड बाई टू करके ऐसा आ जाएगा एस इंटू अंडर रूट ऑफ एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एस अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से एरिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हूज साइड्स इन मीटर आर 940, 25 एंड 15 रिस्पेक्टिवली। अब देखिए इस क्वेश्चन में, ये तो मैंने आपको ड्रॉ कर दिया, अगर यहां पे ड्रॉ ना किया होता दोस्तों तो देखिए क्या होता, देखिए ध्यान से, अब अगर मान लीजिए ड्रॉ नहीं किया हो यहाँ पे, अब आपको दे दिया कि 940, 15 एंड 28, तो ये आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे ही मैं ये साइड ज्वाइन करूंगा, जैसे ही मैं ये साइड ज्वाइन करूंगा तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, और जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल बना दोस्तों तो वी कैन से यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, और जैसे लास्ट क्लास में 3, 4, 5, 12, 5, 13 का ट्रिपलेट बताया था, वैसे एक और ट्रिपलेट होता है बेटा 940 एंड 41 का। कैसे पता लगा, 1600 1681 41 का स्क्वायर करोगे सेम आएगा। तो वी कैन से ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर, जैसे ही यहां से वैल्यू पुट करोगे तो एसी की वैल्यू आ जाएगी 41 मीटर। अब जैसे ही एसी की वैल्यू आई, अब आपका क्वेश्चन इजी हो गया। कैसे, अब एरिया निकालना है ए बी सी डी का, तो एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी, ठीक है सर। तो कहना इसे ए बी सी का एरिया कितना आएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना दोस्तों 40 इंटू हाइट कितनी है 9, वन टाइम 20 टाइम्स 20 इंटू 9 इज 180, तो इसका आ गया सर।
और एडीसी का एरिया कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली हिरोन्स फॉर्मूला से ये आपका 41 है, तो एडीसी का एरिया यहां पे कैलकुलेट कर सकते हो आप। एडीसी का एरिया कैसे निकालोगे? एस की वैल्यू आ जाएगी 28 प्लस 15 प्लस 41 अपॉन 2, 4, 5, 6, 7, 60, 78 and 684 by 2, 42 आएगा ये। और जैसे ही 42 आएगा तो एरिया निकालने के लिए आप कैसे करोगे? अंडर रूट ऑफ 42 इंटू 42 माइनस 15, 42 माइनस 41, 42 माइनस 28। देखिए कैलकुलेशन करूंगा तो ऐसा थोड़ा ना, आप बच्चे हो, कैलकुलेशन करते रहोगे, मैं करवाता रहूंगा, आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हो। थोड़ा पेन चलाइए, थोड़े मेहनत करिए, इसको सॉल्व करोगे इजीली सॉल्व हो जाएगा। ये तो 1 आ गया, 24 आ गया, और ये सॉल्व कर सकते हो, 27 आ गया। इजी सी कैलकुलेशन है, हो जाएगी। एरिया इसमें ऐड कर देंगे, इसका एरिया आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन बच्चे, कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है जो आप बचपन से करते आ रहे हो। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है दोस्तों। मिलते हैं अगले सेशन में, जो कि है एक कौन सा चैप्टर, या तो बड़ा चैप्टर उठाते हैं जिसकी वैल्यू ज्यादा है। तो लेट अस, हम आपको बता देते हैं आज ही, हम आपको करवाएंगे कौन सा चैप्टर नेक्स्ट, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत सारे फॉर्मूलाज के साथ खेलना पड़ेगा, सारे फॉर्मूलाज क्लास में याद करवाऊंगा दोस्तों, और कैलकुलेशन सिखा के जाऊंगा। सारी कैलकुलेशन आप लोग करोगे तो पता लग जाएगा कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों। प्लीज पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।